हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। बातम मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है संस्कृत शिक्षण की पद्धतियाँ। तो आइए बात करते हैं संस्कृत शिक्षण की पद्धतियों के विषय में। संस्कृत बाग में एक विशाल भंडार है जिसे विभिन्न विधाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है। इन विधाओं को विभिन्न पद्धतियों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि व्याकरण पद्धति, अनुवाद पद्धति, व्याख्या पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति। इन पद्धतियों के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी की जानकारी की जाती है। इस सूक्ष्म शिक्षण को क्रियान्वित करने का प्रयास सर्वप्रथम अमेरिका के विश्वविद्यालय में 1963 में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया और धीरे धीरे ये सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप में सम्मिलित हो गई। भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का प्रयोग 1967 में अध्ययन अध्यापन के रूप में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्र व छात्राध्यापकों पर शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करना था। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में छोटी कक्षा में संक्षिप्त पाठ्य वस्तु का शिक्षण करना और उसका पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः शिक्षण समान कक्षा में ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इसे कौशल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार कौशल अध्यापक व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जिनके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त किया जा सके। इसमें निपुणता का भाव निहित रहता है। शिक्षण कौशलों को भिन्न भिन्न शिक्षाविदों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे कि हम देखेंगे बी के पासी के अनुसार, कौशल अध्यापन का या व्यवहार का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कौशल का संबंध व्यवहार से होता है जिसका कक्षा कक्षा यानी कि क्लासरूम की अंतःक्रिया पर प्रभाव पड़ता है तथा विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि अलग अलग विषयों की भिन्न प्रकार की विषयगत मांग होती है, इसलिए अध्यापन कौशलों में भी विषयगत भिन्नता होती है। ऐसे कौशलों के चयन में सर्वप्रथम एलन तथा रियान ने तथ्यपूर्ण कार्य करते हुए 14 शिक्षण कौशलों को सूचीबद्ध किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बोर्ग तथा साथियों ने 18 शिक्षण कौशलों की जानकारी दी, लेकिन भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी 1976 ने 13 शिक्षण कौशलों की सूची जो तैयार की वह है अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, नंबर 1। नंबर 2 पाठ की प्रस्तावना। थर्ड नंबर है प्रश्नों की प्रभावशीलता। फोर्थ नंबर खोजपूर्ण प्रश्न। फिफ्थ नंबर है व्याख्या कौशल। सिक्स्थ नंबर है दृष्टांत देना। सेवेंथ नंबर है उद्दीपन भिन्नता। एट्थ नंबर है मौन तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया। नाइन्थ नंबर है पुनर्वलन। टेंथ नंबर है छात्रों के कार्यों को प्रोत्साहन। 11th नंबर पर देखेंगे हम श्यामपट का प्रयोग और 12th नंबर है समीपता की प्राप्ति तथा 13th नंबर है छात्र व्यवहार की पहचान। कौशलों में दक्षता ही विधियों के सही एवं सहज उपयोग में सहायक होती है। अतः कहा जा सकता है कि कौशल वे उपादान हैं जिनका सहारा लेकर शिक्षण किया जाता है। कौशलों के सही उपयोग से शिक्षण प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे व्याकरण पद्धति में कौन सी विधियां लागू की जा सकती हैं। तो इसमें क्या है, संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से भी व्याकरण की पाठन विधि क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। मातृभाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा को सीखने की एक विधि यह है कि हम उस भाषा के व्याकरण को अच्छी प्रकार से जानें और व्याकरण सीखकर उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करें। मानव विचारों की अभिव्यक्ति को शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित व नियमानुसार प्रारूप देने का कार्य भाषा विशेष का व्याकरण करता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण
कि अध्ययन अध्यापन की परंपरा बहुत प्राचीन है। उपलब्ध वैदिक पदपाठों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि उनकी रचना के पूर्व प्रकृति, प्रत्यय, धातु, उपसर्ग और समास घटित पूर्वोत्तर पदों का विभाग पूर्णतया निर्धारित हो चुका था। ऋग्वेद पदपाठ में स्वरूप स्पष्टता परिलक्षित होता है। प्राचीन काल में व्याकरण शिक्षण पद्धति में कंठस्थीकरण और सूत्र प्रणाली पर बल दिया जाता था। शास्त्रार्थ तर्क विकर्ण यानी कि जो शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क तथा पारायण विधि से भी व्याकरण शिक्षण में अभिरुचि पैदा की जाती थी। बाद में धीरे धीरे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आता गया और व्याकरण की उपेक्षा की जाने लगी। शिक्षण में अपनाई जाने वाली विधियां नीरस हो गईं। यदि आज हमें संस्कृत भाषा का परिनिष्ठित ज्ञान छात्रों को देना है तो इसके लिए हमें व्याकरण शिक्षण को सरल, रोचक व आकर्षक बनाना होगा। इसके लिए आधुनिकतम तकनीकी युग में बढ़ते हुए संचार साधनों तथा दृश्य श्रव्य उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण हेतु कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं प्राचीन विधियां, जिसमें सबसे पहले है सूत्र विधि। इस विधि में व्याकरण नियमों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सहयुक्ते प्रधाने रामाकृष्ण सह गच्छति। सेकेंड है पारायण विधि। इस विधि में विषय को भली प्रकार हृदयंगम करने का प्रयास किया जाता है। ये विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया जाता है। वाद विवाद विधि। इसमें किसी भी टॉपिक को लेकर उसके विषय में विशेष गहराई से बताया जाता है और इसमें प्रश्न किए जाते हैं और एक तरह से वाद विवाद उसका एक विपक्ष तैयार हो जाता है और उसमें विशेष गहराई से जो टॉपिक है स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भाषा ससर्ग विधियाँ। इस विधि में भाषा का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से कराया जाता है। कक्षा में आने वाली कठिनाइयों को उसी समय दूर किया जाता है। नेक्स्ट है परंपरागत सिद्धांत विधि। इस विधि में व्याकरण के नियमों को संस्कृत के ग्रंथों द्वारा सिखाया जाता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे नवीन विधियां। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रारंभ होने के बाद से आज तक प्रयुक्त होने वाली विधियां इस श्रेणी में आती हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि। इस विधि में पाठ्य पुस्तक को इस ढंग से सुनियोजित कर बनाया जाता है कि छात्र जितना अंश पढ़ लेते हैं वह उसके लिए लाभकारी होता है। बिना शिक्षक की सहायता के भी विषय को पढ़ लेते हैं। संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें इस प्रकार निर्मित की गई हैं कि मातृभाषा के अध्ययन में छात्र उन्हें स्वयं समझकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक है, अगर कक्षा में उस पीरियड में वह टॉपिक नहीं पढ़ाया गया तो छात्र स्वयं पढ़कर उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सहयोग विधि। इस विधि को संस्कृत पाठ्य वस्तु के साथ ही व्याकरण का ज्ञान देने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आगमन निगमन विधि। इस विधि में संस्कृत व्याकरण के सूत्रों व नियमों को पहले उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जाता है। छात्र अनेक उदाहरणों का विश्लेषण कर अभ्यास करता हुआ नियमीकरण तक पहुंचता है। कभी कभी सिद्धांत बताए जाते हैं और उसके आधार पर ही कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट है संग्रंथन संरचनात्मक विधि। इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर विषय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सरलता से कठिनता की ओर बढ़ने के लिए यह उपादेय विधि है। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि नवीनतम विधियां। नवीनतम विधियों के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रायोजना कार्य विधि, दल शिक्षण विधि, परिवेक्षण अध्ययन विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, संग्रंथन, निदानात्मक परीक्षण
एवं उपचारात्मक शिक्षण। संस्कृत शिक्षण के सभी स्तरों पर व्याकरण की शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार से हैं। छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करने के लिए संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों से परिचित कराना चाहिए, शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना तथा छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक गति का विकास करना परम आवश्यक है। छात्रों में इस प्रकार की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए कि जिससे वे भाषा के गुण दोषों की परख करके शुद्ध लिख सकें व बोल सकें। और कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सामान्य प्रारंभिक बातें, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, पाठ्योपस्थापन, नियम निर्धारण, पुनरावृत्ति तथा गृह कार्य, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसी के साथ जो हमने व्याकरण पद्धति के विषय में विशेष गहराई से समझ लिया है, अनुवाद, व्याख्या, प्रत्यक्ष तथा पाठ्यपुस्तक विधि के विषय में भी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं संसार की प्राचीनतम भाषा है। सभ्यता के उस काल में संस्कृत भाषा का उदय हुआ है और सर्वप्रथम भारतवर्ष को ही इस उदय का दर्शन हुआ। अतः इस प्रकार की भाषा का वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं शैक्षिक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। जो छात्र दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो एकमात्र अनुवाद विधि ही है जिससे कि वे बहुत आसानी से संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। एक अध्यापक को चाहिए कि किसी भी टॉपिक को अच्छी प्रकार से छात्रों के सामने प्रस्तुत करें, तो इसके लिए एकमात्र व्याख्यान पद्धति है या व्याख्यान कौशल है जो कि अध्यापक छात्रों के सामने उस टॉपिक को जो है बहुत अच्छी प्रकार से बता सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति यानी कि स्वयं निरीक्षण करके देखकर समझना, तो इसमें सामने दिखाकर किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कराकर ही उस विषय का ज्ञान कराना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक विधि ये तो सामान्यता है ही, ये पाठ्य पुस्तक विधि जो कि बताया ही गया था मेकाले के आने के बाद से विशेष रूप से प्रयुक्त की जाने लगी है क्योंकि इससे छात्र स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो ये था संस्कृत शिक्षण की पद्धतियाँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।